तो ये सामने आप गंगा दर्शन लॉन्च देख सकते हैं। यहाँ पे हमने रात को रूम लिया था, तो रूम चार्जेस बहुत बढ़िया थे यहाँ पे। बाकी यहाँ का आप नज़ारा चारों तरफ चेक कर सकते हैं। अगस्त महीने का बहुत ही जेन्युइन जो है मार्केट है यहाँ का, एकदम गजब। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, धूप भी आने वाली है थोड़ी देर में। अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट पर डाली है, थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से तुरंत। तो अभी हमें गुप्त काशी से लमसम 5 किलोमीटर आगे, और आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। वो देखिए सामने का जेन्युइन वाटरफॉल है, वो देखिए भाई कहाँ से पानी आ रहा है, बहुत खूबसूरत है वाटरफॉल। थोड़ा नज़दीक चलते हैं वाटरफॉल के। ये देखिए क्या मस्त वाटरफॉल है ऊपर से, थोड़ा नज़दीक चले बस, एकदम गजब भाई। पानी के नज़दीक जाने का मन नहीं कर रहा, ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा मैं, ठंड की वजह से ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा, पर पानी के पास जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। बट झरना देखने का बड़ा मन कर रहा है भाई, अगर गर्मियों का टाइम। वहाँ पे देखो रेनबो ही बना हुआ है पानी के साथ, रेनबो गजब एकदम, पूरा ऐसे रेनबो बना हुआ है, और क्या गजब लग रहा है देखने में। ऊपर से देखिए आप, वहाँ से आ रहा है पानी उस चोटी से, और ऐसे करके। अगर ये गर्मियों का टाइम होता तो लोग यहाँ पे नहा भी लेते, लोग क्या हम भी नहा लेते खुद ही, पर गर्मियों का टाइम नहीं है अभी, बाइक नहीं चलाई जा रही ठंड में, तो नहाएंगे तो क्या ही, बहुत मुश्किल है। तो अभी हम यहाँ पे रुके मैगी खाने के लिए, मैगी खाते हैं और चलते हैं फिर अपने त्रिजुगनारायण की तरफ। अभी यहाँ से लमसम रह गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं पर त्रिजुगनारायण दिखाते हैं, केदारनाथ 60 किलोमीटर लिखा था पीछे, बट मेरे ख्याल से अब होगा लमसम 30 से 40 किलोमीटर के हेर फेर होगा यहाँ से त्रिजुगनारायण। तो बाकी आपको रास्ते में अपडेट करते हैं। चले त्रिजुगनारायण की तरफ, और इधर ज़्यादा थे केदारनाथ का, तो यहाँ है पार्किंग। यहाँ हमने वैसे अपनी केदारनाथ बाइक खड़ी करी थी, हम केदारनाथ गए थे और हमें जाना त्रिजुगनारायण के लिए यहाँ ऊपर, तो चलते हैं ऊपर। गौरीकुंड की दूरी यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर, तो अब चलते हैं अपने त्रिजुगनारायण की तरफ। जय भोले बाबा। यो तो वहाँ सामने पे देखिए वो जो बीच मार्केट है, वहाँ पे जो है त्रिजुगनारायण है, तो बस 1-1.5 किलोमीटर रहेगा, तो फटाक से चलते हैं वहाँ पे। और अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ स्कूटी पे, मनीष भाई बाइक चला रहे हैं, बस चलते हैं फटाक से। सो वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हम, तो यहाँ पर है मंदिर का गेट और यहाँ पर बना प्रॉपर रास्ता, तो चलते ऊपर मंदिर के पास और दिखाते हैं। पहले प्रसाद वगैरह लेते हैं यहाँ कहीं से, और फिर लेते हैं पहले प्रसाद वगैरह लेते हैं फिर देखते हैं। और बाइक के पीछे तार फंसा हुआ, अरे भाई साहब बाइक हमने यहाँ पार कर दिया, चलते ऊपर। प्रसाद की थाली ले ली है, ये ऑलमोस्ट हमको प्राइसिंग करिए 100 रुपये, जिसमें कि हमको एक प्रसाद है, चावल है, एक माला है, एक चुन्नी है, और एक सिंगार है, और एक छोटा सा लोटा है, जिसको लेकर हम जाएंगे मंदिर में। और लोग मंदिर ही पहुँच गए, बोलते बोलते मंदिर ही पहुँच गए। तो ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो अब जूते उतार के चलते हैं मंदिर के अंदर। तो एक कुंड, बाकी ये मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पे भी लोग सिक्के डाले रहे, हमने अंदर दर्शन कर लिया। अंदर का सिस्टम थोड़ा सा खतरनाक है, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने कुंड देख रहे हैं, इसमें माँ शिव जी ने और माँ पार्वती ने फेरे लिए थे जब उन्होंने विवाह किया था। इस तरफ मूर्ति है, अंदर फोटो खींचना वर्जित है तो नहीं दिखाएंगे। बाकी आप हवन कुंड देख सकते हैं यहाँ से, बेहद खूबसूरत मंदिर है माता का, शिव और पार्वती जी का। बाकी मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ, चारों तरफ वॉक अराउंड एक चारों तरफ देखते हैं। बाकी वहाँ से भी कुछ ले रहे हैं वो राख जो इस हवन कुंड से मिल रहे हैं, एक लकड़ी डाली हमने। पर यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, आपको पता ही है मंदिरों में सब जगह ऐसे ही हो गया है, खाली लूटने का सिस्टम। उन्होंने लकड़ी डलवाई, उसके 100 रुपये लिए, एक हवन कुंड में जोड़ लाए, उसके पैसे लिए, हर चीज़ के पैसे पैसे पैसे। तो ये तो अब कॉमन हो ही गया हर जगह पे, बट अब हम जो है मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं वो एक अलग बात है, कोई बात नहीं।
बाकी हम मंदिर का एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये है आपका मंदिर इस साइड से, ये यहीं से फ्रंट गेट है, यहीं से उन्होंने हमको अंदर ले गए और हमने अंदर दर्शन किए। बाकी अब यहाँ देख सकते हैं श्री, यहाँ पर जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, जो कि हर कोई जानता है, बट मैंने आपको वहाँ पर एक स्टोरी दिखा दी होगी पूरा बोर्ड से, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरी स्टोरी है जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी जितना हमें मोटा मोटा पता है हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ है, इस वजह से इस जगह को पवित्र माना जाता है। बाकी यहाँ पर सात ताल हैं, कुंड है, मतलब छोटे छोटे से, आपको आगे दिखाता हूँ भी, चार सात सात के साथ कुंड दिखाता हूँ। और बाकी ये देखिए, बाकी एक दो सिनेमैटिक लेते हैं मंदिर के और फिर यहाँ चलते हैं और थोड़े यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये है यहाँ के कुंड, एक कुंड ये रहा, एक कुंड यहाँ पर है और एक कुंड ये रहा और एक कुंड वो आगे पे है। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे कुंड हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा जल भी ले जाएंगे घर के लिए, थोड़ा सा जल घर के लिए ले जाएंगे। और कुंड कुआल से यू, अच्छा ये आया था रे यू अवपार ब्रह्म कुंड, अच्छा जी। तो जैसे कि पंडित जी ने आपको सारे कुंडों के बारे में बता दिया कौन सा कुंड कौन सा है, बाकी मैं इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता पर उन्होंने बता दिया, जो कि मैं भी वीडियो में दोबारा देख लूँगा। और इधर से भी आप मंदिर की खूबसूरती देखिए, यहाँ से मंदिर से ज़्यादा अच्छा आ रहा है लुक वाइज भी। और वहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पूजा कराई, और अभी यहाँ पर हमारा प्रसाद जो है पंडित जी पैक करके दे रहे हैं। बाकी इस तरफ से भी अगर मंदिर देखिए, जहाँ से कि मंदिर एकदम पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है क्योंकि सनलाइट पड़ रही है वहाँ से, तो मंदिर में बहुत अच्छा कलर आ रहा है मंदिर का। बाकी आप जानते हैं जैसे ये पूरा पत्थरों से बना हुआ बहुत पुराने मंदिर है, मतलब पुराने मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं, केदारनाथ को देख लीजिए आप और गुप्तकाशी वाले मंदिर को देख लीजिए, सब ऐसे ही बने हुए हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और रात को जब यहाँ पर लाइटिंग रहती है तो और ही मज़ा आता है देखने में, बट इस टाइम यहाँ देखिए आप। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मंदिर में दर्शन कर लिए, फ़ोटो वोटो खिंचा ली, अच्छे से सिनेमेटिक शॉट ले लिए हैं और अब निकलते हैं गुप्तकाशी के लिए। अभी हमें काली मठ मंदिर में भी विजिट करना है तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। ये बोला तो ये देख रहा था घूर के, बाकी मस्त है यहाँ की जगह रुद्रप्रयाग। तो फाइनल दोस्तों 3:30-4 बजे हम पहुंच चुके हैं काली मठ में। तो यहाँ पर है माँ काली का मंदिर और ये ब्रिज से रास्ता होकर जाके वहाँ जाता है सामने मंदिर में, गांव के बीचों बीच एकदम मंदिर है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो वो देखिए वो रहा माता का मंदिर। तो पहले यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं नीचे मंदिर में विजिट करने। रास्ता कितना सुंदर है घंटियों के साथ पूरी इसी तरीके से नीचे से लेके ब्रिज तक। हाँ मौज कर दी, डू सम क्रिएटिव भाई साहब, क्या सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं पूरे ब्रिज में घंटियाँ बन रही हैं, भाई पेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो हम तो घंटियाँ बजाते रह जाएंगे। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा था घंटे बजाने में। क्या मज़ा आ रहा था। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर विजिट करते हैं। तो अब पूजा कराने के बाद हम जा रहे हैं दूसरी साइड मंदिर के। तो ये है अंदर का मेन जो माता का शक्ति का प्रतीक है ये। तो अब चलते हैं हम बाहर की साइड, आपने पूरा मंदिर देख लिया।
तो सबसे पहले ऊपर जाना है, भैरव बाबा के पास एक काले कपड़े चढ़ाना है, उसके बाद नीचे लक्ष्मी के पास जाके, मतलब नीचे और छोटे छोटे से मंदिर है उन पे जाना है। तो पहले ऊपर जाके काले कपड़े चढ़ा के आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नीचे। तो ये है वो मंदिर जो पीछे से दिखाई दे रहे थे रोड हेड से, ये है श्री गौरी शंकर का मंदिर, ये श्री माँ सरस्वती का मंदिर, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, बाकी ये तरफ देखिए और ये कितना सुंदर लग रहा है, कितनी बेस्ट लोकेशन पर ये। बाकी इस मंदिर में घंटियाँ इतनी सारी बनी हुई है, चारों तरफ इस तरीके से घंटियाँ बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम घर की तरफ जाते हुए, बाकी ये लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, इधर मंदिर दोनों तरफ नदियाँ, बीच में ब्रिज, और यहाँ पे भाई साहब एकदम कतई जहर। तो एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे, फिर निकलते हैं तुरंत। तो काली माता के मंदिर में विज़िट कर लिया है और अब हम निकलेंगे घर, और अपने मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें जाना सीधा घर, तो अंधेरा भी हो जाएगा तो कुछ शूट भी नहीं हो पाएगा, तो सीधा घर के लिए निकलते हैं और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।